हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज आप देखेंगे कि जब भी सेटअप बॉक्स में रिमोट काम नहीं कर, ठीक है, रिमोट ठीक है, ओके है, टेस्टेड है, लेकिन रिमोट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ये क्या होता है, इसमें एक सेंसर लगा होता है, इंफ्रारेड सेंसर, ठीक है। इसको रिप्लेस कर देने से आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, और इतना ही करिए, आप टेक्नीशियन के पास देंगे तो आपको लगभग 150-200 रुपये लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप खुद से बदलने जाएंगे तो मात्र 5 रुपये में ये मिलता है सेंसर, और आप 3 लेग छोड़ा के फिर से लगा लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए, काम नहीं कर पा रहा है, और साथ ही ट्रैक जो है सब सही है। ये ट्रैक लूज था तो मैंने जम्फर कर दिया है, बाकी और सब ट्रैक सही है, ठीक है। ट्रैक लूज होने से, ट्रैक कटे रहने से भी ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो सेंसर है इसको निकालना है, फिर नया लगा देना है, ठीक है। सबसे पहले पावर रिमूव करके, अब डिसोल्डर वायर का भी हेल्प ले सकते हैं, और आप चाहें तो ब्रश से भी निकाल सकते हैं। ये सब काफ़ी ट्रैक कमज़ोर होता है, ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से निकालें कि ट्रैक जो है आपका टूटे नहीं। अगर टूट भी जाता है तो आप जम्फर कर दें। ठीक है, ये देखिए, ये दूसरा सेंसर जो है इंफ्रारेड सेंसर, देखिए इसका वैल्यू अगर आप पूछेंगे, ठीक है, तो वैल्यू देखिए इसमें कुछ नहीं, ठीक है। आप सीधा बोलिए जाके कि हमको सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर चाहिए, बस आपको मिल जाएगा। ये 5 वोल्ट पर वर्किंग करने के लिए बने ही होते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको लगा के और सोल्डिंग जो है प्रॉपर तरीके से करें, लूज रहेगा तो कभी आपका काम करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर आपका रंगा ना लग पाए तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा स्केच कर देना है, देखिए अच्छे से तीनों लेग सोल्डिंग हो चुका है, और आपस में कोई भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए तीनों आपस में, ठीक है। मैं फिर से इसको पावर दे रहा हूँ, और पावर दे के फिर से मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपका रिमोट जो है वो काम कर रहा है, लगता है चैनल आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मैं ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए ऑफ हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करना ना भूलें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।